Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning beginner to professional hands-on Python course in Hindi. इसमें हम नए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए ट्यूटोरियल का नाम है ओपन सीवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम ओपन सीवी लाइब्रेरी को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब ओपन सीवी लाइब्रेरी का ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ पर हम ओपन सीवी के बारे में इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन लेंगे और धीरे धीरे आगे चल के हम क्या करेंगे, ओपन सीवी को हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे चल के स्टडी करते रहेंगे। तो ये ओपनसीवी का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है, राइट, ये पार्ट वन है। आगे चल के इसके पार्ट आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, बस कनेक्ट रहना है हमारे साथ, तो आप ओपनसीवी को पूरे डिटेल में स्टडी कर पाओगे और उसको रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे चल के स्टडी करते रहेंगे। तो चलो यार, अभी हम बात करते हैं ओपनसीवी लाइब्रेरी के बारे में, हम स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल में क्या देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ओपनसीवी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ओपनसीवी, उसके बाद डिपेंडेंसीज, इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल्स के बारे में और आपको लास्ट में बताऊंगा ओपनसीवी की जो ऑफिशियल साइट है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और वहां पर आपको पूरा डीप में स्टडी करने के लिए मिलेगा। वहां पर भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वो ऑफिशियल ट्यूटोरियल रहेंगे, हालांकि वो समझने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते बट वहां पर आपको एकदम प्योर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलो यार, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ओपनसीवी। जब हम बोलते हैं ओपन सीवी यार क्या है, मतलब कुछ चीज को हमें ओपन करना है, मतलब ओपन करो हमारा करिकुलम वीटा, ऐसा नहीं है। ओपन का मतलब होता है ओपन सोर्स, सीवी का मतलब होता है कंप्यूटर विजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सोर्स, मतलब हमारे पास जो भी ये लाइब्रेरी मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, हमें कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं सीवी मतलब कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन को शॉर्ट में देखा जाए तो कंप्यूटर विजन का मतलब ये होता है कि भाई कंप्यूटर इमेज को देखेगा, क्या करेगा, कंप्यूटर इमेज को देखेगा और वीडियो को भी, वीडियो में भी इमेजेस ही रहती है तो स्पेशल क्या करता है, कंप्यूटर इमेज को देखेगा। इमेज को देखने के बाद उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद जो भी उसका डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेगा, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। जैसे कि हमारी बात करें, हमारे पास आंखें हैं, किसी के पास दो है, किसी के पास एक है, तो उस आंखों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम हमारे एनवायरमेंट को देखते हैं, मतलब हम भी इमेज कैप्चर करते हैं लाइक कैमरा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, हमें कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है। मान लो आपके सामने एक शेर है, राइट, आपके आंखों ने शेर का पिक्चर ले लिया, तो यार तुरंत आपके दिमाग में इमेज जाएंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या एक्शन करनी है, मतलब दिमाग बोलेगा कि भाई अभी तेरे को भागना पड़ेगा, राइट। मान लो पिंजरे में है शेर, तो दिमाग बोलेगा भाई तू शेर का मजा लूट ले। तो इस तरीके से हमारा दिमाग उस इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग करके वो डिसीजन लेता है। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हम भी कंप्यूटर को इमेज देंगे और कंप्यूटर उस इमेज के ऊपर प्रोसेस करके वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आती है, मान लो पाइथन लैंग्वेज आती है, तो भाई पाइथन लैंग्वेज में हम कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ेगा पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यार ये काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसे लिए क्या किया गया, ढेर सारे जो एल्गोरिथम्स है उसको एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया गया पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उस पैकेज को हम क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिसका नाम है ओपन सीवी। तो ओपन सीवी क्या है, ओपन सीवी ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है। इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर हम बिल्ड करते हैं, एआई सॉफ्टवेयर हम बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं ओपन सीवी लाइब्रेरी के बारे में। तो ओपन सीवी लाइब्रेरी में 2500 एल्गोरिथम को ऑलरेडी ऑप्टिमाइज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, राइट, उस इमेज को हमें ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए कोई वहां पे मैथमेटिकल लॉजिक होगा, उस मैथमेटिकल लॉजिक को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन को हमारी जो ओरिजिनल इमेज है हम उसको दे देंगे और हमें रिटर्न क्या मिलेगा, हमें ऑलरेडी ब्लर की गई इमेज मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो कोड है वो ओपनसीवी में अवेलेबल है, बस हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एक्सेस करना है कोई पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो ऐसे ढेर सारे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि हमने बोला कि इमेज को ब्लर करना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, उसको ग्रीन करना है, रेड करना है, ब्लू करना है, उसकी एज डिटेक्ट करनी है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स ऑलरेडी बिल्ड किए गए हैं, उसको हम डायरेक्ट उस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक्सेस करेंगे। तो ऐसे हमारे पास कितने एल्गोरिथम है, 2500
2500। और दोस्तों 2500 एल्गोरिथम ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और हमें उसको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। इसलिए OpenCV का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पे कंप्यूटर विजन में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं OpenCV लाइब्रेरी को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप OpenCV लाइब्रेरी को सी प्रोग्रामिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप जावा, आप मैटप्लॉट, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप OpenCV को यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसका सिंटैक्स आपको थोड़ा अलग अलग मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं OpenCV लाइब्रेरी को हम कौन से प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है और मैक ओएस है, इस सारे जगह पे हम OpenCV को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं OpenCV लाइब्रेरी को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है, मतलब उसको रिटर्न किया गया है। जैसे कि हमने पहले देखा कि भाई 2500 एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज किए गए, ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उस पर्टिकुलर पैकेज को हम कॉल कर सकते हैं सी, पाइथन, जावा, मैटप्लॉटलिब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करते हैं यार OpenCV लाइब्रेरी कितनी पुरानी है, राइट, उसको कितने साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा OpenCV लाइब्रेरी को फर्स्ट रिलीज किया गया था जून 2000 में, राइट, और अभी आज की बात हम बात करें तो उसको अभी 20 साल हो चुके हैं, मतलब बहुत पुरानी OpenCV लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, तो आप क्या करो गूगल में सर्च करो, आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएंगे। ये बेनिफिट होता है बहुत पुरानी लाइब्रेरी का, और ये पॉपुलर लाइब्रेरी है कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आपको समझ में आ गया भाई OpenCV लाइब्रेरी क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने जो भी आपको ज्ञान दिया है ये मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने ये कैसे लिया होगा, तो कहाँ से लिया, मैंने OpenCV लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये पूरा नॉलेज लिया है। और आपको भी OpenCV लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट करना चाहिए, वहाँ पर आपको देखना चाहिए, किसी ने भी बताया उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। जिस बंदे ने OpenCV लाइब्रेरी बनाई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने OpenCV लाइब्रेरी बनाई है, उसकी ऑफिशियल साइट से आप नॉलेज गेन करेंगे तो आपको ट्रस्टेड नॉलेज मिलेगा। तो चलो यार बिना देर किए हम क्या करते हैं, OpenCV लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जंप करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा OpenCV लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल साइट है ये उसका नाम है opencv.org, आप यहां पर देख रहे होंगे opencv.org not.com, राइट। तो यहां पर आते हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपका इंटरफेस मिल जाएगा। दिन ब दिन इस ऑफिशियल वेबसाइट का जो लुकअप है, मतलब GUI है, वो चेंज होता रहता है, इसके पहले अलग था, अभी कुछ दिनों में ये चेंज हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो OpenCV का भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, उसका नाम है 4.5.0, राइट। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप OpenCV लाइब्रेरी गिटहब में भी आप देख सकते हो, ओपन ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, ट्यूटोरियल्स है, यूजर क्वेश्चन आंसर फॉरम है, कोर्स है, विकी है, बिल्ड फॉर्म है, अलग अलग चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करो, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। नीचे आते हैं भाई इसको स्पॉन्सर किसने किया गया, देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया है, पार्टनर भी अच्छे खासे हैं। और लेटेस्ट इसके बारे में आप कोई पढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो यार आप देख सकते हो ओपन सोर्स, ये लाइब्रेरी ओपन सोर्स है और इसका जो लाइसेंस है वो BSD3 है, मतलब इसको आप सीधी भाषा में बात करें तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, आपको सिंगल रुपीस भी पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज, हाँ भाई ये OpenCV लाइब्रेरी एकदम हाईली ऑप्टिमाइज लाइब्रेरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर OpenCV लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं OpenCV लाइब्रेरी के बारे में, अबाउट अस, मतलब OpenCV के बारे में हमें बात करनी है, समझना है OpenCV क्या है। तो आपको क्या करना है, जस्ट अबाउट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप इस पेज में आ जाते हो, राइट। तो ये अबाउट अस का पेज है, आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है, तो आपको OpenCV के बारे में जानकारी मिल जाएगी भाई क्या क्या है, मैंने आपको यही से जानकारी दी है, राइट। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको इसी को पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। नेक्स्ट आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इस जगह पे पढ़ सकते हो आपको किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा। आपको क्वेश्चन आंसरिंग करने तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, आप OpenCV आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर ढेर सारे सवाल रहेंगे, इसके जवाब को आपको मिलेंगे, राइट। और आप यहाँ पर भी आपको कोई सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे आस्क योर क्वेश्चन, तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछो, आपको इसका कुछ टाइम के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं भाई, कोई आपको सवाल है तो यहाँ पर भी आपको जानकारी दी गई है। उसके बाद आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो OpenCV ओनर को, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे उनको
इस जानकारी पढ़ के आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नीचे आते हैं उसके बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये जानकारी ओपनसीवी लाइब्रेरी की। तो आपको कोई भी ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए ओपनसीवी के बारे में तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। राइट, अब हम बात करते हैं, आप ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करते हो, राइट, तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और इस जगह पे आते हो तो ओपनसीवी लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज करना है, राइट, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिया है, एकदम अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है ओपनसीवी का, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ जाओगे। राइट, तो जैसे कि हम बात करते हैं भाई इंट्रोडक्शन टू ओपनसीवी के बारे में, तो आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। तो आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जानकारी मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है इस तरीके से, एकदम सही तरीके से नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंटेशन है ओपनसीवी का, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आप नए होंगे इस फील्ड में तो आपको बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी लाइब्रेरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जो भी बंदा बिल्ड करता है तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है, उसको हम किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके लिए वो पूरा लिख के बताता है। नहीं तो आप डायरेक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप डायरेक्ट तो पढ़ नहीं सकते ना, राइट। तो इसलिए जो भी बनाता है पर्टिकुलर लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसके डॉक्यूमेंटेशन वो खुद बनाता है ताकि जो भी बंदे वो समझ सके पढ़ सके, राइट। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन रहता है, राइट। तो कोई भी आप लाइब्रेरी लिखो उसका ऑफिशियल वेबसाइट रहता है और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिले। मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ओपनसीवी के बारे में पढ़ लिया है और आपको यहाँ पर भी आने के बाद सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, विकीपीडिया पे जाना है। देखो ये विकीपीडिया की ये लिंक है, इसके ऊपर आओ, राइट। तो आपको ओपनसीवी के बारे में एकदम सटीक जानकारी मिलेंगी और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको नीट एंड क्लीन विकीपीडिया के ऊपर भी जानकारी मिलेंगी और यहाँ पर आप शॉर्टकट जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई ओरिजिनल ऑथर कौन है, इंटेल कॉरपोरेशन है और विलो गैरेज है और एटसीज है, तो ये उसके ओनर है, मतलब ये ऑथर है ओपनसीवी के, राइट। तो उसके बाद अभी 4.5.0 ये जो लेटेस्ट वर्जन है 12 अक्टूबर को ये रिलीज़ हुआ है, राइट, 25 दिन पहले आज को छोड़ के। उसके बाद ये गिटहब रिपोजिटरी है, रिटर्न किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया है, साइज़ कितना है 200 MB है, क्या है लाइब्रेरी है, लाइसेंस कौन सा है, अपाचे लाइसेंस है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, opencv.org। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेंगी विकीपीडिया पेज के ऊपर। तो ये हो गया भाई ओपनसीवी के बारे में। अब हम बात करते हैं ओपनसीवी के एप्लीकेशंस के बारे में। तो ओपनसीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम कौन से एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको सभी को पता है कि भाई ओपनसीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि फेस रिकग्निशन, राइट। मतलब आपका जो फेस है उस फेस को रिकॉग्नाइज करना है तो ओपनसीवी लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनॉमस व्हीकल, ऑटोनॉमस ड्रोन आपको बनाने हैं तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ओपनसीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बात भाई अलेक्जा, जैसे कि अलेक्जा आप सभी को पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते, मतलब आप बोलते हो तो अलेक्जा समझ लेता है, बट अभी अलेक्जा में लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं कि अलेक्जा को बोलोगे कि भाई मैं कैसे दिख रहा हूँ, अलेक्जा बोलेंगे कि भाई आप तो एकदम जबरदस्त देख रहे हो, तो इस तरीके से अलेक्जा बिहेव करता है आपको देख के, तो उसके लिए भी आप ओपनसीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है भाई रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोबोट खाना बना रहा है, तो भाई खाना बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना, तो देखने के बाद आप डिसीजन लोगे और उसके बाद आप खाना बनाओगे, तो इस तरीके से आप रोबोटिक्स में भी ओपनसीवी का आप इस्तेमाल करते हो, मतलब रोबोट्स बनाने के लिए भी, राइट। तो जहाँ पर भी इमेजेस आती है इमेज को समझ के हमें काम करना है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई ओपनसीवी लाइब्रेरी इज द बेस्ट लाइब्रेरी टू सॉल्व कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके के एप्लीकेशन हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन हैं दोस्तों जहाँ पर हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम ओपनसीवी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार प्री रिक्विजिट्स, ओपनसीवी लाइब्रेरी को आपको पढ़ना है तो आपको क्या क्या आना पड़ेगा तभी आप ओपनसीवी लाइब्रेरी को पढ़ सकते हो। तो चलो यार अभी हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स एंड डिपेंडेंसी ऑफ ओपनसीवी। ओपनसीवी को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको C++ आते हैं तभी भी आप सीख सकते हो, आपको जावा आती है, मैटप्लॉटलिब आते हैं तभी भी आप सीख सकते हो, लेकिन हमारा जो ट्यूटोरियल है वो पाइथन लाइब्रेरी के ऊपर बेस है, मतलब हम उसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओपनसीवी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले पाइथन आना चाहिए, आपको बेसिक भी पाइथन आता है तो चलेगा, आपको एडवांस मास्टर्स नहीं करना है आपको पाइथन में, जस्ट बेसिक चल जाएगा। नेक्स्ट है NumPy लाइब्रेरी, NumPy लाइब्रेरी क्या है इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, वो आपको देखना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि भाई NumPy लाइब्रेरी क्या है, और हम फ्यूचर में ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाएंगे तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। अब NumPy लाइब्रेरी क्या है शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इमेज रहती है, इमेज को हम नंबर्स के फॉर्मेट में सेव करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो हम NumPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें NumPy लाइब्रेरी आना चाहिए। आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ट्यूटोरियल ले सकते हो। नेक्स्ट आपको साइपाई, साइपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, इसको भी आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट है पांडास लाइब्रेरी, तो आपको पांडास आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आपको उतना काम नहीं करना पड़ता है पांडास में, लेकिन आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप उसको भी सीख सकते हो, हमने इसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। नेक्स्ट आपको मैटप्लॉटलिब आना चाहिए। अब भाई मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या है, जब हमारे पास इमेजेस रहती है उसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने, हमारे पास कोई डेटा है उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मतलब हमें डेटा को विजुअलाइज करना है, तो उस वक्त हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी आनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आपको सीबॉर्न आता है तो वो भी अच्छी बात है, सीबॉर्न के ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। अब ये सब कुछ आता है तो इसके साथ आपको एक और चीज आनी चाहिए, इसको बोलते हैं मैथ्स। आपको मैथ्स आना पड़ेगा, आपको आपको मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए, आपको वेक्टर आना चाहिए समझ में, मैट्रिक्स कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है तो ए बी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये आना चाहिए, और मैट्रिक्स को सीखना ये बच्चों का खेल है, आई होप आपको ये आता होगा, राइट। अब नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब में इधर उधर देख के कोई ट्यूटोरियल समझ के आप मैट्रिक्स सीख सकते हो, वेक्टर सीख सकते हो, और आपने 12th साइंस किया होगा तो आपको पता यार मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, वेक्टर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज रहती है वो मैट्रिक्स में रहती है, और जब आपको इमेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने तो आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये आपको आना चाहिए, आई होप आपको ये आता होगा, नहीं आता है तो आप पढ़ सकते हो। तो ये है प्रीरिक्विजिट, इसको समझना पड़ेगा तभी आप OpencV लाइब्रेरी को आराम से मतलब स्मूथ में आप उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को समझ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार इंस्टॉलेशन ऑफ OpencV। अब OpencV तो हम समझ गए, एप्लीकेशन समझ गए, राइट, डिपेंडेंसी समझ गए, तो भाई अभी हमें OpencV को पढ़ाई करना है मतलब स्टडी करना है, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको OpencV को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपके सिस्टम में पाइथन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सॉफ्टवेयर आता है python.org, इस साइट के ऊपर जाकर आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट विंडोज प्लस एस बटन को प्रेस करना है, और आपको लिखना है कमांड, राइट, कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करना है, और जैसे आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, पाइथन है इसको चेक करना है, तो आपको लिखना है पाइथन, और देखो यहाँ पर मेरे सिस्टम में सॉरी पाइथन, तो अभी देख सकते हो मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, OpencV लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जिट करता हूँ, ओके, और उसके बाद हमें बाहर आना है पाइथन इंटरप्रेटर से, और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल, क्या लिखना है, OpencV -- उसके बाद आपको लिखना है पाइथन, राइट, क्योंकि हम OpencV लाइब्रेरी को पाइथन में इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे एंटर बटन दबाते हो तो आपका पाइथन का OpencV जो पैकेज है वो डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाएगा। बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस प्रोसेस से आप जाओगे तो आपको अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, NumPy, पांडास, ढेर सारे पैकेजेस, और उसके बाद आप OpencV लाइब्रेरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। बट एज अ प्रोफेशन लेवल जब आप कंपनी में जाते हो तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप OpencV को इंस्टॉल नहीं करते हो, इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, इसको हम क्या करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये भी रास्ते से आप OpencV को इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, OpencV को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और हम उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम स्पेशल ट्यूटोरियल बनाएंगे, राइट। इसके साथ आपको OpencV को कोंडा एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोंडा स्पेस इंस्टॉल स्पेस -c स्पेस कोंडा -forge स्पेस OpencV। आपने एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल किया होगा तो वहां पर आप OpencV को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं उसके लिए कमांड दी है, इस कमांड को आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाकर एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप OpencV को इंस्टॉल करते हो। अब मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर अपने OpencV लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, अब हमें उसको यूज करना है भाई, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो OpencV को इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्ट स्पेस CV2 लिखना है। तो इससे आप क्या करोगे, OpencV को आप इम्पोर्ट करोगे किसमें, कोई भी पाइथन IDE में, राइट, उसमें आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए इम्पोर्ट कीवर्ड स्पेस CV2। अब आप बोल रहे होंगे यार NumPy को हम इंपोर्ट करते तो इंपोर्ट NumPy लिखते, पांडास को इंपोर्ट करते तो इंपोर्ट पांडास लिखते, बट हमने OpencV को इंस्टॉल किया और यहाँ पर हमें CV2 लिखना पड़ा, तो भाई ये शॉर्टकट इसका नाम है पैकेज का नाम, इसलिए आपको इंपोर्ट CV2 लिखना है। उसके बाद आप CV2 .k मतलब OpencV के जो भी पैकेजेस है उसको आप एक्सेस करोगे,
मान लो आपको कोई इमेज को शो करना है तो आप लिखोगे cv2.imageshow, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसको आप एक्सेस करोगे जब आप cv2 को इंपोर्ट करोगे तब, राइट। अब इस तरीके से हमने देखा कि भाई OpenCV क्या है, उसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, हमने पूरी जानकारी यहाँ पर देख ली है। अब हमें यार स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो स्टडी मटेरियल के आपको क्या करना है, आपको हर एक ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते जाएंगे। और जैसे कि आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो OpenCV के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम गए थे, उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको OpenCV पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ चुका होगा, क्योंकि भाई आज के डेट में देखा जाए तो कंप्यूटर विजन इंटरेस्टिंग फील्ड है और आने वाले वक्त में इसमें तो आपको मजा ही आने वाला है। तो दोस्तों यार कंप्यूटर विजन के लिए आपको तैयार होना है, आपको ऑगुमेंटेड रियलिटी के लिए तैयार होना है, तो आपको यार कंप्यूटर विजन आना पड़ेगा और कंप्यूटर विजन में आपको OpenCV लाइब्रेरी तो आना ही चाहिए, इसलिए आपको OpenCV लाइब्रेरी को पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि यहाँ पर गधा भी होगा तभी भी उसको समझ में आ जाएगा। और आपके यहाँ पर कोई भी सवाल होंगे, कोई भी सुझाव होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई अलग अलग टॉपिक्स होंगे तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो, हो सके हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाते जाएंगे। तो चलो दोस्तों यार इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तब तक आपको क्या करना है, आपको कोई दोस्त होगा जिसको कंप्यूटर विजन में इंटरेस्ट है, जिसको डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसको आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर OpenCV का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहा है, तो आप आपके दोस्त के साथ ये ट्यूटोरियल की लिंक शेयर कर सकते हो ताकि भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगने वाले। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट कंटेंट मिले, ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो दोस्तों अब हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।